नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। या दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी सपने में देखा है ये फूल, तो चमकने वाली है आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, जम कर बरसने वाला है पैसा। आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां समय से आपको मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चे से लेकर बुजुर्ग इंसान तक सब सपने देखते हैं। हालांकि सभी सपने याद नहीं रहते, कुछ सपने सुबह होने तक इंसान भूल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का कुछ न कुछ अर्थ होता है। ऐसा माना जाता है कि सपने भविष्य को लेकर कुछ न कुछ संकेत देते हैं। हालांकि सबको सपने में देखे जाने वाली वस्तुएं और अन्य चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, मगर स्वप्न शास्त्र में सपनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में अगर आप भी इस फूल को देखते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कमल का फूल देखना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये भविष्य को लेकर शुभ संकेत है। अगर सपने में किसी ने कमल का फूल देखा है तो इसका मतलब है कि वह जल्द धनवान होने वाला है। उसके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। उनका धन कहीं रुका या अटका पड़ा है तो पैसा वापस आ सकता है। अगला जो फूल है वह है, बात है सफलता के, खुलते हैं नए दरवाजे। वहीं दोस्तों, सपने में कमल का फूल दिखना ज्ञान की दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है। कहले तो दोस्तों, ज्ञान और विद्या की देवी माँ शारदा का भी प्रिय फूल कमल ही है। वो भी कमल पे ही विराजमान होती है। वहीं धन की देवी माता लक्ष्मी भी कमल पे ही विराजमान होती हैं। उन्हें भी कमल का फूल बेहद प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में भी हम कमल के फूल का इस्तेमाल करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। ऐसे में ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सपने में फूल देखने से सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं, सामने आने वाली सभी बाधाएँ दूर हो जाती है। वहीं दोस्तों, इससे रोग मुक्ति भी कहा जाता है। अगर कोई सपने में फूल को देखता है तो रोग से मुक्ति का भी योग बनता है। किसी अस्वस्थ व्यक्ति यानी कि इंसान को अगर सपने में कमल का फूल दिख जाए तो इसका मतलब है कि उसने जल्द रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। घर और परिवार में सब भी किसी रोग का साया नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सपने में कमल का फूल देखता है तो उस इंसान को रोग से भी मुक्ति मिलती है, और वहीं उसके घर परिवार में भी किसी को कोई रोग नहीं होता है। सपने में कमल का फूल देखने से व्यक्ति धनवान होने का संकेत मिलता है व्यक्ति को। वहीं दोस्तों, सफलता के नए दरवाजे खुलते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कमल का फूल जितना देखने में सुंदर होता है, उतना ही इसके सपने में आने के मतलब भी अच्छे होते हैं। ये हमें शुभ संकेत देते हैं। कमल का फूल देखना सपने में एक बेहद ही शुभ स्वप्न माना गया है स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आपने भी सपने में कमल का फूल देखा है तो आपके प्रसन्न हो जाना चाहिए। इससे आपको लाभ ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपका धन कहीं अटका पड़ा है और बहुत आप कोशिश में लगे हुए हैं उस धन की प्राप्ति के लिए, और वो धन आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और ऐसे में अगर आपको कमल के फूल के सपने आते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत देने वाले सपने हो सकते हैं। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका जो कहीं पर रुका हुआ या अटका हुआ धन पड़ा है तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कमल के फूल अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है तो इसका क्या मतलब होता है।
इसका हमारे जीवन पे शुभ संकेत पड़ता है या फिर अशुभ संकेत पड़ता है, आज हमने इस वीडियो में इसी के बारे में जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो पाएगी। तो दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।